हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम बैक विद माय न्यू व्लॉग। तो आज है साल का आखिरी डे, 31 दिसंबर, और ये है मेरा इस साल का आखिरी व्लॉग। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस साल एक आखिरी व्लॉग बना ही लूँ। वैसे बनाने का कोई मूड नहीं है क्योंकि कुछ स्पेशल मैं कर नहीं रही हूँ आज, कोई सेलिब्रेशन नहीं हो रहा। तो कोई नहीं, फिलहाल अभी हमें जाना है मम्मी के घर, तो सोचा है आधार से ही मिलने, उसी के साथ सेलिब्रेट कर लेते हैं अपना 31st। क्योंकि हमारे घर का तो एज यूजल हमेशा से ही ऐसा है, लाइक कि हमें कहीं नहीं जाना होता है। बट हाँ, मे बी कल हम लोग कहीं जाए, तो अभी फिलहाल हम लोग आधा सोया हुआ है, तो कोई बात नहीं, उससे मिल लेंगे। तो यस, हाँ फिलहाल अभी हमने सोचा है कि हम मथाफ के घर जाएंगे, मैं और अंश, क्योंकि कुछ कस्टमर के कपड़े भी देने हैं उनको एंड भाभी के भी कपड़े देने हैं, तो फटाफट निकलते हैं। तो पहले फटाफट मैं घर का काम खत्म कर लेती हूँ। थोड़ा बहुत पड़ा है, बस ये झाड़ू लगाना है, खतरन पतरन जो मैंने कल स्टिचिंग की थी, और बेड वगैरह मैंने समेट लिया है। अंश खत्म करो जल्दी, मैं ब्लॉग में बता दूंगी कि आप खाना नहीं खाते हो, फिर मैडम भी देखेगी आपकी ये ब्लॉग, सोच लेना। तो या तो चलिए फिर फटाफट खत्म करते हैं, मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ, भूख लगी है, उसके बाद नहाएंगे। मातेश्वरी, आप क्या कर रही हो? गरम गरम पराठा गोभी का। वाह वाह वाह, और ये चाय, चाय हमारे घर में बहुत सारा बनता है, तो यस पतीले को देख के कोई ये ना बोले कैसा पतीला है। तो चाय सुबह से तीसरी चौथी बार है ये हमारा, जो बोल रहे उसके मुंह में गरम चाय। हाँ, तो ये माँ अपने लिए मोटे मोटे पराठे बना रही है, मैंने तो छोटे छोटे बनाए हैं अपने, उनको पसंद नहीं आते मेरे हाथ के पराठे। तो यस मम्मी जी हमारे पराठे खाएगी विथ ये नींबू का अचार, खट्टा मीठा। टक टक टक, देखती हूँ पापा क्या कर रहे हैं, पापा को कुछ काम तो है नहीं, खेले। ये देखो, पैर बंद करके खाओ। ये देखो, इनको कोई काम धंधा नहीं है, खाली बस गरम गरम पराठे थाली में देते जाओ और ये खाते रहेंगे और सोते रहेंगे। ये एक बिस्तर पकड़ लेते हैं बस, हीटर मस्त लगा हुआ है, गर्म पानी का केटल रखा हुआ है, मस्त गर्म पानी है, जिंदगी हो तो ऐसी हो बस, है ना। मेरा भी नाश्ता आ गया है, चाय पराठी दाल और अचार, और अंश ने भी फिनिश कर लिया है ऑलमोस्ट। हाँ फटाफट खत्म करेंगे और अभी हम फटाफट नाश्ता खत्म करेंगे, क्योंकि मार्केट में सुबह पूजा हो गई है, माता श्री ने पूजा कर दी है, तो मैं फ्री हो गई हूँ आज। नहीं मैं जीतूंगी, और हम साथ में देख रहे हैं मिथ पैट का वीडियो। तो यस चलिए फिर फटाफट करते हैं नाश्ता और निकलते हैं अथर से मिलने के लिए। ये देखो नाश्ता लेके आ गए हमारे मन, फाइनली हम लोग हो गए हैं रेडी। आप देखिए अंश को तो पूरा ही पैक कर दिया है हमने, इधर खड़े हो, ये देखो ये, ओहो हो शाहरुख खान का पोज। अब मातेश्री लग गई हैं स्वेटर बुनने के लिए, जो कि है अंश के लिए। तो यस अभी हम लोग रेडी हो गए और निकल रहे हैं, हमारा ऑटो भी आ ही गया है, तो चलिए फटाफट चलते हैं। ये वाला आवाज सुनो, तो चलिए फिर निकलते हैं। हो गया, यस Are you excited? Yes. अभी अभी कल न्यू ईयर है, अपने घर में बिताओ। So finally हम लोग पहुंच गए हैं घर, और अभी हम चल रहे हैं ऊपर, ऑटो को टाटा बाय कर दिया है और अधर के ले लिया है कुछ सामान। अभी फाइनली हम पहाड़ी चढ़ रहे हैं चौथी मंजिल के लिए। अरे भैया ए वेतू गेट खोलो ना, मत दो, मुझे भी ले चलो, पकड़ो हाथ, चलो चलो बुआ जाओ, बुआ जाओ,
भैजा हो गई नींद, देखा डर के मारे उठ गई ना। अच्छा यो पापा गई नहीं आज, काम नहीं है बेटे, काम चल रहा है। अच्छा कहाँ गई है भाई, गिर मत जाइए, आज बुआ चॉकलेट लाई है। मोई मोई कर रही है। कैसे करता है मोई मोई? हाँ बुआ। अच्छा ये यहाँ उठा, मैं सोचू बाथरूम में। मैंने भी बनाया इस वीडियो। किधर है बेटू, शिप तो दिखाओ, शिप तो दिखाओ। ये देखो ये किसका शिप है, किसका? मुझे प्यार नहीं किया, मुझे प्यार नहीं किया। पहले प्यार करो, पहले प्यार। छोटे पापा क्या कर रहा है, बांसुरी कहाँ है? छोटे पापा कर रहे हैं, मुझे भी दो खाना। छोटे पापा का थाली छीन रहा था तू। हाय कर दो इधर, इधर कैमरे में हाय कर दो। पापा मुझे खाने ही दिया। मम्मी को बोलो खाना दो। अथर्व तो फाइनली अभी हो गई है शाम और मेरा बड़ा वाला भाई बना रहा है मैक्रोनी, जो कि इसने हलवा बना दिया है मैक्रोनी का। देखो अब इसी को खिलाऊंगी सारा मैक्रोनी, ये खाएगा, मुंह दिखा दो अपना। देखो देखो भाई देखो। बोल बोल बोल, कुछ बोलना जा रहा है भाई साहब। ए सिमकांडी हेलो करो। क्या नहीं ब्लॉग नहीं, क्या करूं यहाँ बैठेगा, फोन रख दूं, फोन रख दूं। अच्छा फाइनली हमारी मैक्रोनी तैयार हो गई है और अभी हम चाय बना रहे हैं, मैं बना रही हूँ चाय और बाकी सब। कैसा बना है, सही बना है? हाँ हाँ ओके, पहले भैया खाएगा उसके बाद, तभी तो बता रही हूँ तो पहले खा। इसको देखो, इसको देखो जरा कैसा लग रहा है। तो तू कहाँ कैसे रहा है अभी? देखते हैं भाई खा के क्या कहना है आपका बिग बिरो। हाँ तेरे थोड़े से तो कुछ और ही पता चल रहा है। तेरा दौड़े से पता चल रहा है कि तूने कितना अच्छा बनाया है। भाई मैं खा के देख रही हूँ, अगर मुझे कुछ हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी है। मैं इस ब्लॉग में बोल रही हूँ, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। हाँ तो बोलेगी अच्छा बना है, दिखा ना जरा अच्छा बना है, सच बोलना टीवी में दिखोगी। अगर झूठ बोला तो पाप लगेगा, पाप लगेगा, पाप। ले आ तब चल खाती हूँ, बढ़िया मजा है, चाय भी बन जाती है, चाय भी पीते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो फाइनली मेरी मम्मी भी आ गई है ऑफिस से और आप देख सकते हैं ये जस्ट अभी अभी घुसी हैं। हाँ सो गया, अभी सोया है थोड़ी देर पहले। आज तो पार्टी था ऑफिस में, जल्दी कैसे आ गई, कुछ खाने लगा नहीं लाएगी, हम बोल के भेजा था इसको। सो हे गाइस फाइनली मैं घर आ गई हूँ अपने, और मैं आ गई हूँ अपने घर, तो अभी मैं जा रही हूँ कुछ सामान लेने के लिए क्योंकि मुझे खाना बनाना है और मैं लेट हो गई हूँ,
तो अभी चलते हैं कुछ सब्जी सब्जी लेके आते हैं। फटाफट लिया था मैंने मॉर्निंग में, बट अभी फिर से लेकर आना है कुछ अलग चीज़। तो यस चलिए फिर फटाफट चलते हैं मार्केट की ओर, तो दिखाते हैं आपको मार्केट का नज़ारा। चलिए फिर निकलते हैं। पूजा झा व्लॉग्स, क्या पूजा झा व्लॉग्स कैसे दे रहे हो? 40 और कुछ है ही नहीं। अब कितना हो गया? 115-30 हाँ तो 140 हो गए, 5 रुपये का डिस्काउंट। इतना ढो के लेके जाओ अभी इतने दूर मेरे को घर। चलो भाई चले घर, चलिए अब चलते हैं घर। हे गाइस सो फाइनली मैं घर आ गई हूँ और मेरी बिंदी उतर गई है। ये देखो ये मैंने लगाया, सही से लग गया। हाँ ठीक है, तो फिर मैं घर आ गई हूँ और सब सामान ले आई हूँ। और मैं साथ के साथ लेके आई हूँ ये केक बनाने का भी सामान, जिससे मैं केक बनाऊंगी। मतलब केक वाला बैटर वाला जो आता है वो मिल नहीं रहा था, तो मैंने बिस्किट ले लिए। अब बिस्किट भी बड़ा वाला नहीं मिला तो मैंने छोटे छोटे ले लिए। कोई नहीं, इसी से करते हैं हम अपना काम आज। तो चलिए पहले मैं दाल चढ़ा देती हूँ, एक तरफ खाना चढ़ाते हैं एक तरफ बनाएंगे हम अपना केक, क्योंकि कल है न्यू ईयर। तो चलिए फटाफट पहले मैं दाल वाल चढ़ाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गई, खाना चढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात शेयर कर देती हूँ। तो मैं आज जब मार्केट पहुँच ही गई थी, पहुँच रही थी, तो मुझे एक बच्चा मिला जो मुझे देख के बोला कि मतलब फाइनली वो खुशी मेरे लिए तो स्पेशल है कि देखो देखो ब्लॉगर जा रही है। तो उसने मेरे से पूछा कि आप ब्लॉगिंग करते? तो मैंने बोला हाँ मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। वो आपको दिख जाएगा इस वीडियो में आगे, अभी तो फिलहाल मैं घर आ गई हूँ। उससे पहले उन्होंने मेरे को पूछा था, फिर उसने मेरे भाग के दौड़ के आया पीछे से, फिर उसने मेरे से चैनल का नाम पूछा। तो यस खुशी होती है छोटी छोटी चीज़ों से जब लोग जानने लगते हैं। तो यार चलिए फिर अब मैं चढ़ाती हूँ अपना खाना और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। सो फाइनली मैंने दाल चढ़ा दिया एक तरफ एंड दूध भी चढ़ा दिया है एक तरफ, दूध को बॉइल करने के लिए रख दिया है। और अब मैं तैयारी करने जा रही हूँ केक की, जिसके लिए मैंने ले लिया है ये इलेक्ट्रिक ग्राइंडर। एंड अब मैं इसमें ये सारे बिस्किट्स को ग्राइंड करूँगी पाउडर फॉर्म में, ठीक है। थक गई, सारे बर्तन भी निपटाए, ठंडे ठंडे पानी है भाई साहब, समझो हालत। तो यस पहले इन सबको ग्राइंड करते हैं, इनको पाउडर फॉर्म में करते हैं एंड उसके बाद कुछ और करते हैं, बताते हैं क्या करना है, ठीक है। तो चलिए पहले मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ अच्छे से ग्राइंड एंड फिर मिलती हूँ आपसे। तो फाइनली केक का जो वो पेस्ट, अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना, पाउडर करना था, वो मैंने पाउडर फॉर्म कर लिया है इसको अच्छी तरीके से, ये देखो आप, ठीक है। अब इसमें हम मिलाएंगे थोड़ा सा दूध एक थिक बैटर बनाने के लिए, ठीक है। और उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा और थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे, जो हमें खाने वाला ऑयल होता है, जैसे फॉर्चून या बटर भी डाल सकते हो आप, आपकी मर्जी है जैसे बनाना है आपको। मुझे एग्जैक्टली बनाना नहीं आता है, बट हाँ मैं बना लेती हूँ थोड़ा बहुत खाने लायक, जो कि मेरे बेटे को बहुत पसंद है। और जब इसे पसंद है तो फिर कोई टेंशन की बात नहीं है, है ना। यस तो यस चलिए फिर इसका मैं बैटर रेडी करती हूँ। और मैंने इसको पतीले को भी थोड़ा गर्म होने के लिए रख दिया, ये हल्का गर्म हो जाएगा तो इसके ऊपर कटोरा भी गर्म हो गया तो ये कटोरा, उसके बाद इस पे केक बनेगा ना। तो यस चलिए फिर, कुछ नहीं है खाली है, वो गर्म लग जाएगा। तो इसको फटाफट मैं रेडी करती हूँ और बनाती हूँ। मेरे बेटे को बहुत जोरों से भूख लगी केक खाने की, अरे बाबली भागो मैया रे मैया। तो यस चलिए फिर फटाफट केक रेडी कर। तो फाइनली मैंने पेस्ट बना लिया है, आप देख सकते हैं ये एक अच्छा सा पेस्ट बन के रेडी हो गया है। और ये देखिए अच्छा सा थिक सा पेस्ट बन गया। और मैंने दूसरे बर्तन में ऑयल की ग्रीसिंग करके रख दी है, अब मैं इसको इसके अंदर शिफ्ट करूँगी। तो इसी शेप में जिस शेप का आपको लेना है या जिसको आपको लगे कि हाँ कितना बड़ा केक बनाना है, उस अकॉर्डिंग आप अपना बर्तन ले सकते हैं। और मैं सारा इसमें अच्छे से शिफ्ट कर दूँगी,
बस ऑयल लगाना ना भूले क्योंकि ये पीछे फट जाएगा तो निकलेगा नहीं। तो यस पहले मैं सारा निकाल लेती हूँ उसके बाद दिखाती हूँ आपको। फाइनली मैंने शिफ्ट कर दिया है केक और मैंने इस पतीले के ऊपर रख दिया है। अब इस पतीले को हम इस पतीले को हम अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे। इसको ऐसे रखेंगे, यस ये इस तरीके से मैंने कवर कर लिया है। और अब बारी आती है इस चॉकलेट से इनका पेस्ट बनाने के लिए। जो चॉकलेट का पेस्ट बनाएंगे हम ऊपर डालने के लिए, वो इस बटर को यूज़ करके हम पेस्ट बना लेंगे अच्छे तरीके से। तो चलिए फिर बाकी का काम करती हूँ। अब मैं दिखाती हूँ फुल फाइनल लुक अपने केक का। तो अभी फ़िलहाल खाना भी बना लेती हूँ और इस व्लॉग को मैं फ़िलहाल यहीं करती हूँ। एंड मीन्स जब मेरा केक बन जाएगा तो मैं वीडियो डाल दूँगी उस केक की भी। फिलहाल मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। व्लॉग को क्या हो जाता है मेरी जुबान को तो यस इस व्लॉग को फिलहाल मैं यहीं करती हूँ। एंड फाइनल केक का लुक मैं दिखाऊंगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि बनेगा न्यू ईयर व्लॉग। तो यस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। एंड साल का ये आखिरी व्लॉग, आखिरी डे, होप कि आप सबने भी बहुत अच्छे से इंजॉय किया होगा। मैंने तो किया अच्छे से इंजॉय, आप लोगों ने भी किया होगा। तो यस मिलते हैं आपसे न्यू ईयर में, मिलते हैं तब तक के लिए बाय।